जी आप काइंडली बताइए कि व्हाट इज डिजिटल पाकिस्तान एंड ये क्या है। जब मैं खुद डिजिटल वर्ल्ड में आया तो मैंने बहुत से डिजिटल वर्ल्ड के दोस्तों को साथ मिलाया, और उसके बाद जो चीज सामने आई, फिर हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि जो डिजिटल पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रही है वो कतई आम बंदे के हक में नहीं है, और बिलखसूस वो लोग जो हमारे बच्चे बच्चियां, देखे जिस वक्त में हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो 61% यूथ हमारी इस वक्त गिनी जा रही है, जिसमें आधे से ज्यादा लड़कियां हैं। अब हम इतनी करोड़ों की तादाद में जो हमारी वर्कफोर्स है, अगर हम उसको जाया कर दें, तो मैंने फिर यही चीज बनाई कि क्यों ना हम एक अपना ऐसा डिजिटल, अपने दोस्तों से मशवरा करके, बहुत से साथी हमारे ऑन बोर्ड है, उसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ लेवल के अफसरान शामिल है, लेकिन सब वो लोग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अवेयर्ड हैं और उनको उसकी वैल्यू का पता है, वो ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में चीजों को डिजिटलाइज कैसे किया जा रहा है, और चंद साल के बाद ही बाय 2025 आप देखेंगे दुनिया कंप्लीट बदल चुकी होगी, और बाय 2030 जो लोग हम में से होंगे, अल्लाह हम सबको जिंदगी दे, तो वो देखेंगे कि दुनिया में डिजिटलाइजेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, टेक्नोलॉजी का दौर कैसे दौरा होगा। उसी चीज को सामने रखते हुए फिर हमारे दोस्तों ने यह फैसला किया कि हम अपना डिजिटल पाकिस्तान बनाते हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। हमने कतई तौर पर यह आज तक डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क में 1 रुपया कहीं से हमने ना फंडिंग ली है, ना किसी से कोई पैसा लिया है, ना हमारा अगला प्लान है। अभी तक ये मैं खुद जाती तौर पर ये जितना खर्चा कर रहा हूं अपने पास से कर रहा हूं, इंशाल्लाह अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलूंगा। जहां तक हमारे बेसिक मेरा विजन, मेरा प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू डिजिटल पाकिस्तान बनाने के बाद, मेरे तमाम दोस्त जो प्लेटफॉर्म पर हैं, वो तमाम हमारे वर्कफोर्स जो यूथ हमारे साथ काम कर रही है, उसमें सबसे पहला हमारा जो मिशन है उसके मुताबिक यूथ एम्पावरमेंट का है, कि हम किस तरह से यूथ को, हालांकि अगर आज देखें तो बहुत से बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं लेकिन उनके मसाइल बहुत हैं, उनकी आवाज को पार्लियामेंट तक लेकर जाना, उनके छोटे छोटे मसलों को हल करना। जैसा कि जब मैं ये इससे पहले ही आया था, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, तो मुझे बताया गया था जो फ्रीलांसर्स हैं उनके बैंक में अकाउंट नहीं खुलते, तो मैं चूंकि खुद वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूं अपनी फाइनेंस कमेटी में, तो हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, उसी वक्त हमने डायरेक्शंस दी हमारी कमेटी ने, फाइनेंस कमेटी ने, और आज तमाम बच्चे बच्चियों के जिनके बाहर से पैसे आते हैं उनके अकाउंट खुल रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके प्रोग्राम के हवाले से कहूंगा, किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हमने एक नया भी शुरू किया है अपना प्रोग्राम, वो ये है कि हर संडे रात को 9 बजे एज अ डिजिटल सेनेटर मैं कचहरी लगाऊंगा, उसके अंदर वो बताएंगे, और अगले सेशन में हम उस डिपार्टमेंट को भी बुला सकते हैं, कर्टसी के तौर पर बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे कि आप आए आकर बच्चों की बातें सुनें, उनके जवाब दें, उनके सवाल सुनें, उनकी मदद करें, ताकि हमारे वो बच्चे जो घरों में, बिलखसूस वो बच्चियां जो घरों में बैठकर डिजिटल वर्ल्ड में काम करती हैं, कोई फ्रीलांसर्स हैं, कोई अपना इसकी डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं, कोई वेबसाइट का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, ब्लॉकचेन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी फरमाई है, जो मेरे इस्तेदात है मैं उसके मुताबिक उसको हल करने का तैयार हूं। सो पहला हमारा जो मिशन है वो है यूथ एम्पावरमेंट का, दूसरा उसके साथ हमने किया है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि जी वो हमारे बच्चियां, वो औरतें, वो बेशक घरों में बैठ के काम करें, जो हमारी जो बिजनेस वुमेन्स हैं उनके किसी किस्म के मसाइल्स हैं, बिजनेस वुमेन चैंबर्स हमारी बनी हुई हैं, हमारे अपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक फेडरेशन ऑफ चैंबर से भी है, चैंबर ऑफ पाकिस्तान के सर, रावलपिंडी चैंबर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, अपना हतार, इन तमाम चैंबर्स का मैं मेंबर हूं, तो उनके इस्तेमाल करते हुए भी हम उन मसलों को हल कर सकते हैं। उसके साथ लास्ट वीक एक चीज मैंने ऐड कराई है, हम उस पर बहुत
सीरियसली काम कर रहे हैं। जब मैंने अपने ग्रुप के सामने ये बात रखी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वो ये है कि वो बच्चे बच्चियां जो फिजिकली ठीक हैं, मेंटली ठीक हैं बट फिजिकली किसी किस्म की डिसेबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन वो स्मार्टफोन चला लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू लैपटॉप चला लेते हैं, तो उनको हम चाह रहे हैं कि हम उनको इस पे डिजिटल वर्ल्ड में ला के कोई फाइनेंशियल उनके लिए ऐसा प्रोग्राम बना कर दें, जैसा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ये अब नौजवान प्रोग्राम जो बनाया है उसके लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। मेरी कंपनी पे आई एम रनिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेरे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। मैं उनको अपने पास यहाँ ऑफिस दे सकता हूँ, कंपनी बनाकर दे सकता हूँ, 6 महीने तक उनका तमाम मैं एक्सपेंस बेयर कर सकता हूँ। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इस तरह हम 3-3, 4-4 बच्चों को इकट्ठा करके उनको कंपनी बनाकर दें ताकि वो अपना रोजगार खुद कमा सकें और उनकी प्रॉपर बैकिंग की जाए। ये जो स्टार्टअप कामयाब नहीं होते उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बुकिश किस्म का नॉलेज होता है, वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में वो लोग नहीं समझते कि आपने इनकम टैक्स को मामलात को कैसे लेकर चलना है, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए हैं, आपने आगे जाने के लिए क्या कुछ करना है। पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए मुख्तलिफ एनवायरमेंट है, मुख्तलिफ तरीके से काम किया जाता है, दुनिया में कारोबार करने के लिए और एनवायरमेंट है। अभी हालांकि हमारा आज ही अपना प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि वो टेक्नोलॉजी जोन्स कायम कर रहे हैं। अब ये देखना है कि वो किस टाइप के जोन्स हैं, किस तरह उन हमारे मुल्क के बच्चे बच्चियां जो उन जोनों से नियरेस्ट हैं तो वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। ये मेरा मकसद है मेन, यही डिजिटल पाकिस्तान करने जा रहा है। और हमारी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे बच्चियां घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। एक और मैं ऐड करता चलूं, चूंकि आई डोंट बिलीव इन बिग डिग्रीज एनी मोर। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी के लिए डिग्रियों की जरूरत हो, लेकिन जब मैंने ये देखा दुनिया में जितने मास्टरमाइंड हैं, इवन आज के दौर के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दे ऑल आर हाई स्कूल रेलिगेटेड। चाहे आप किसी को भी उठाकर देखें, उन्होंने मल्टीनेशनल्स अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई, लेकिन वो कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए नहीं थे। तो इसलिए मैं भी अपने दोस्तों से, जो भी मेरे नौजवान साथी बच्चे बच्चियां देख रहे हैं, उन्हें ये कहूंगा कि आपने अगर डिजिटल वर्ल्ड में आना है तो खुदारा ये डिग्रियों के पीछे मत भागें, बल्कि प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें। और उसके लिए आपको गूगल से इल्म मिलेगा, तमाम दोस्तों से चीजें मिलेंगी और इंशाल्लाह आप आगे जा सकेंगे।